विषय को लेकर आज एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर रोशनपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो ऐसे मुद्दे पर विचार रखेंगे जिन चीजों को लेकर वो ऐसे मुद्दे को लेकर उठा के चले हुए हैं, हर तरीके से वो जानते हैं। डॉक्टर रोशनपाल जी, आदरणीय प्रधान जी, कार्यकारिणी के मेंबर्स, आयोजन समिति के सदस्य व समाज के दूर दराज से आए साथियों, आप सभी का धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। ऐसी विषय पे मैं आप अपनी बात शॉर्ट में रखूँगा, टाइम बहुत हो चुका है। जो मौजूदा स्थिति है एससी केस की, कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसको आप सेंटर को भेजो, प्रॉपर तरीका ये है, लेकिन दो रास्ते हैं। अगर आप एक रास्ते पे चल देते हैं तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। जो पंजाब वाला रास्ता है, कुछ लोगों ने, जो लोग करने वाले थे बीच में, उन्होंने ये कहा कि सरकार जो सेंट्रल वाला रास्ता है हम उससे नहीं जाना चाहते, आप हमारा काम पंजाब के पैटर्न पे कर दो। सरकार ने उसी उस पर नोटिफाई कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि दो नोटिफिकेशन थे, एक था 5 जुलाई 2019 का और दूसरा था 7 जुलाई 2020 का। जो 5 जुलाई 2019 का नोटिफिकेशन था वो हरियाणा में जो गोडरी सब था उसको अमेंडमेंट करके गडरिया किया था, और जो 2020 का जुलाई 7 का लेटर है वो एससी में नोटिफाई करने के लिए किया था। कैसे? उसमें हमें सांसी की सब कास्ट मानकर उसको एससी में नोटिफाई किया था। अब जो दोनों लेटर्स से हैं, 5 जुलाई 2019 का भी और 7 जुलाई 2020 का भी, अब स्टेज ये है कि हम सेंटर को नहीं भेज सकते, उसको सरकार से कहें। सरकार ने पहले कहा था लेकिन हमने वो रास्ता नहीं फॉलो किया जो भी लोग करने वाले थे उस टाइम पे, लेकिन हम उस रास्ते से चल चुके हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमने कराया पंजाब पैटर्न पे। तो अब स्टेज ये है कि जो 5 जुलाई 2019 का है और 7 जुलाई 2020 का लेटर है, दोनों के दो हाई कोर्ट में स्टे हैं। अगर हम सेंटर को भिजवाएंगे तो इस स्टेज पे वो कहेंगे जी ये तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक आप इसको सेंटर में नहीं कर सकते। अगर हम उसको हाई कोर्ट से यहाँ से करवाते हैं तो वो ये कह देंगे सेंटर में कि भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अगर हम जाएंगे तो वो वहाँ पे सरकार को कह देंगे कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो एक तरह से हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते, अब पोजीशन ये है। तो इस केस में क्या है, सही पोजीशन क्या है? एट प्रेजेंट जो अम्बेडकर मिशन संस्था है पलवल की, उसने पार्टी बन के हाई कोर्ट में इस लेटर को दोनों को स्टे कराया हुआ है। उसमें कौन कौन पार्टी है? चीफ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल वेलफेयर एससीबीसी हैं, और उसके बाद बचाव पक्ष की तरफ से कौन पढ़े? पाल गडरिया समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र और एक संस्था है गडरिया वेलफेयर एसोसिएशन, वो चार पार्टी हैं बचाव पक्ष हैं, और एक पार्टी जो है अम्बेडकर मिशन संस्था जो है वो जिसपे स्टे हुआ है, और पांच रिट और है अलग से। तो कहने का मतलब ये है कि 6-7 रिट हैं वो क्लब हो चुकी हैं, और इधर से पंजाब का भी स्टे हो गया, उसके बाद एक साल के बाद पंजाब गवर्नमेंट का भी स्टे हो गया। अब जो मौजूदा स्थिति है क्या है, अब हमारे पास रास्ता कोई और नहीं है कि यहीं से इसका फैसला हो, जो भी होना है, चाहे वो हमारे फेवर में हो चाहे खिलाफ हो, तो यहीं पे होना चाहिए। उसमें क्या क्या पोजीशन है? पाल गडरिया समाज धर्मशाला ने जब जवाब दे दिया अपना,
गडरिया वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना जवाब दे दिया, हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दे दिया, लेकिन जो पंजाब सरकार है उसका जवाब दावा अभी तक नहीं डला है, जिसकी वजह से आर्गुमेंट नहीं होगा। एक तो सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे संस्थाएं हैं वो इस बात पे जोर दें कि पंजाब सरकार की तरफ से उसका जवाब दावा दिया जाए। उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं कि उस पर आर्गुमेंट हो, और आर्गुमेंट के बाद जो भी डिसीजन है उसके बाद अगर हमारे फेवर में होता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं होता है तो हम आगे की रूपरेखा तय करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे फेवर में नहीं है, उसमें काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं हमारे फेवर में है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन क्या है, जब तक उसका जवाब दावा नहीं डलेगा पंजाब का, तो तब तक उस पर आर्गुमेंट नहीं होएगा। तो ये तो मौजूदा स्थिति है कि पंजाब सरकार का जवाब दावा डलना चाहिए, और सरकार भी, हरियाणा सरकार भी उस पर इंटरेस्ट ले, उस पर हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार जो भी है वो चीज़ें होती हैं सरकार, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें कोर्ट में नहीं होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। हम अपने जवाब में ये चीज़ें डाल सकते हैं, ये पॉइंट हमारे फेवर में है, ये डॉक्यूमेंट हमारे फेवर में, हम टाइम टू टाइम आर्गुमेंट के टाइम, बहस के टाइम डाल सकते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हम गांव में केस लड़ते हैं कि सारा वकील पे बेस होता है, हम गए तारीख पे तारीख, गए तारीख नोट कर लिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आप टाइम टू टाइम आपको डॉक्यूमेंट मिलते रहते हैं, जैसा भी वो वकील कहेगा हम दिखाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम डाले जा सकते हैं आर्गूमेंट से पहले, आर्गूमेंट के टाइम भी। तो ये बात है एक तो कि इसमें पंजाब सरकार की तरफ से जवाब डलना चाहिए सबसे पहले, और एक दो जवाब हरियाणा सरकार की तरफ से है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डलवा देंगे हरियाणा की तरफ से, हरियाणा से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बात हुई हमारी इसकी एससी केस की मौजूदा स्थिति की। बात है एकता की, सिर्फ एक मिनट लूंगा, जो एकता वाला जो चैप्टर है, एकता में बल है, इसी में समाज की सभी समस्याओं का हल है, ये लिखा है आपने, पोस्टर था जो उस पर लिखा था, ये बात बिल्कुल जायज है कि अगर हम इकट्ठे होंगे कहाँ से, आप मेंबर लेवल से ले लो, सरपंच लेवल से ले लो, आप अपनी वोट की पहचान कराओ, इकट्ठे होके दो, पंचायत समिति, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, जहां भी है, आप जब तक अपनी वोट की वैल्यू नहीं शो करेंगे, इकट्ठे होके किसी तरह से भी आप अपने वोट की वैल्यू इकट्ठा होके नहीं करेंगे, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप पंचायत लेवल से उठा लो, चलता जाओ आप सब जगह, लेना देना कर लो, नहीं आप बनने की पोजीशन में है, किसी से लेना करो, किसी से देना करो, उस हल्के में देंगे वहां लेंगे, कर सकते हैं आप। तो एकता वाली जो बात है वो, आपका कोई भी आदमी बीजेपी में खड़ा है, कांग्रेस में खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, उसकी हेल्प की जा सकती है, हम कर सकते हैं समाज के उसमें। और जो समाज के नेता भी हैं वो भी समाजित को पहले रखें, और जो हमारा पार्टी है उसको बाद में रखें, दोनों काम किए जा सकते हैं बहुत अच्छे से। और समाज जो है ये बहुत अच्छा समाज है, ऐसा समाज नहीं मिलेगा आपको, समाज में एकता 200-300% है, लेकिन जो हमारे समाज के नेता लोग हैं वो सही से डायरेक्शन नहीं दे पा रहे उसे। तो मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा, अगर किसी को अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया है, कि हमारी संगठन है अलग अलग से, धर्मशाला है पलवल में, कुरुक्षेत्र में, और संगठन भी हैं, तो उनका एक फेडरेशन बनाया जा सकता है। फेडरेशन का मतलब कि उन ग्रुपों को मिला के एक फेडरेशन बन सकता है, एक महासंघ बन सकता है, उसके जो प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, वो मतलब उसको चलाएं सारे सिस्टम को,
और वो किसी भी पार्टी से हो, कोई हो, वो अलग बात है, लेकिन समाज के मुद्दों पे आम राय बन सकती है उन पे, और एक महासंघ बनाया जाए, इन सभी जो भी रजिस्टर्ड बॉडीज हैं उनको मिला के एक महासंघ का आइडिया है। उसमें कैसे है कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया खुद कि कॉलेज में होता है, जैसे एक एसोसिएशन गवर्नमेंट की है, एक प्राइवेट मैनेजमेंट की है, एक यूनिवर्सिटीज हैं 10-15 उनकी अलग अलग है। अब उनका मुद्दे कॉमन है, जैसे स्केल रिवाइज होते हैं या कोई और है, सर्विस कंडीशंस है, तो कॉमन मुद्दों पे क्या है कि वो उन्होंने एक अपना अलग से फेडरेशन बनाया हुआ है, और जब भी जरूरत होती है वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो इकट्ठे नहीं हो सकते, अलग अलग हैं वो, लेकिन उस फेडरेशन के माध्यम से वो इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं और अपनी बातों को मनवाते हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं कि इसका एक महासंघ बनाया जाए, हरियाणा पाल गडरिया महासंघ, और जो भी एसोसिएशन है, संस्थाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उसके अंडर काम करें और उसका एक संयोजक हो, और वो सारे कुछ मिलकर चलाएं सारे सिस्टम को, और जो भी प्रॉब्लम आएंगी हम उसको दें और वो आपके डायरेक्शन देंगी, और निचले लेवल की जो भी संस्थाएं सबको हेल्प करेगी। आप सभी का धन्यवाद। जय पाल सुभाष।